बटाला च सीआईए स्टाफ नूं उस वेले वड्डी सफलता हाथ लगी जदों नाकेबंदी दौरान अंग्रेजी शराब नाल लदी ट्रैक्टर ट्राली विच नजायज़ शराब दीआं 375 पेटियां ते रिवॉल्वर समेत ट्रैक्टर ट्राली चालक नूं गिरफ्तार किया गया। इस संबंधी सद्दी गई प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं SSP बटाला रशपाल सिंह ने दस्सिआ है कि सब इंस्पैक्टर दलजीत सिंह पड्डा ने पुलिस पार्टी समेत कोहाली विखे विशेष चैकिंग ते नाकेबंदी की जा रही थी कि इस दौरान ट्राली नूं शक्की हालातों में आते देख के जब रोकया गया तो ट्राली विचों 375 पेटियां शराब दियां बरामद हुई हैं। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार किए गए नौजवान के विरुद्ध थाना घुमान विखे एक्साइज एक्ट तहत मामला दर्ज करके उक्त नौजवान की तलाशी लैन से पुलिस कर्मचारियों ने इस को एक रिवॉल्वर 32 बोर और 10 जिंदा रोंद भी बरामद किए हैं, जिसके करके मुकदमे में असला एक्ट का भी वाधा किया गया है। इलेक्शन कमीशन वालों जो कि सख्त हदायत आई हुई सी कि लॉ एंड आर्डर मेनटेन किया जाए और नशे नूं ठल पाई जाए, जिहड़े पीओ ने स्केप ने गैंगस्टर ने समगलर ने उन्हां नूं सख्ती दे नाल फड़िया जाए और निपटिया जाए। सो इहदे तहत ही असी जिहड़ा है वह पिछले दिनों तो एक कैसो प्रोग्राम जिहड़ा हैगा वह चलाया हैगा, जिहदे च असी काफ़ी भारी तादाद च जिहड़ी नजायज़ शराब लाण और ठेका अंग्रेजी शराब है वह फड़ी है, जिदे चे काफ़ी वड्डी रिकवरी भी हुई है। सो इहदे तो अलावा असी 8 पीओ भी फड़े आ और इस तरह ही इहदे दौरान एक नजायज़ वैपन भी जिहड़ा है वह जब्त किया हैगा और जिहड़ा ये कल सफलता मिली है इहदे चे थाणा घुमाण दे विच एक स्पैसीफिक इनपुट के आधार पर जिहड़ा है नाकाबंदी की सी साडे सी इंचार्ज ने ते श्री हरगोबिंदपुर सब डिवीजन के ऑफिशियल ने। सो इहदे दौरान जिहड़ी है एक ट्रैक्टर ट्राली जिहड़ी है वह अपने फड़ी है जी, जिहदे विचों 375 अंग्रेजी शराब जिहड़ी है वह रिकवर हुई है और मौके पर ही दोषी नूं गिरफ्तार किया। ਇਹ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਕਾ ਸੀ ਹਰਬੀਰ ਉਹ ਅਜੇ ਸਕੇਪ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਲਵੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ 3 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਗਾਂਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।